हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, बेसिकली यहाँ पे हमको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के हेल्प से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी रहे। देखिए आइडेंटिटी क्या है आपकी, आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी की पावर 2। इसका आंसर होता है a का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2AB प्लस में 2BC एंड प्लस में 2CA। ओके बेटा, ए यहाँ पर आपकी पहली पोजीशन को डिनोट करता है, बी आपकी दूसरी पोजीशन को और सी आपकी तीसरी पोजीशन को। ठीक है, जैसे अगर यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करें तो ए की पोजीशन पर 6 है, बी की पोजीशन पर -2y है और सी की पोजीशन पर 4z है। ओके, एक बात ध्यान रखना कि इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए बीच में हमेशा प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो माइनस आ रहा है तो माइनस को हटाएंगे कैसे, ज़रा देखिए 6 प्लस में -2y एंड प्लस में 4z का होल स्क्वायर। ओके, अब आप इसको कर सकते हैं। अब देखो दोनों साइड प्लस है ना, ए की पोजीशन पर 6 है, बी की पोजीशन पर -2y है, सी की पोजीशन पर 4z है। चलिए कर लेते हैं, हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में -2y का स्क्वायर प्लस में 4z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2 × 6 × -2y प्लस में 2 × -2y इंटू में 4z। ओके, फिर यहाँ पर प्लस में 2 × 4z × 6। ओके, समझ में आया अच्छे से, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखिए बेटा क्या होगा, इसके बाद समझिएगा थोड़ा सा। ओके, चलिए इसके बाद देखिए, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, माफ करिएगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 × 6 = 36 हो गया। ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर पावर इवन है तो माइनस साइन तो ख़त्म हो जाएगा, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, साथ में वाई की पावर 2 आ जाएगा क्योंकि वाई स्क्वायर है। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, जेड की पावर 2 आ जाएगी। ओके, अब देखो 2 का माइनस, ये वाले 2 का प्लस, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो गया, 2 × 6 = 12, 12 × 2 = 24, साथ में वाई। ठीक है, अब देखो ये वाले 2 का माइनस, ये वाले 2 का प्लस, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 32, साथ में क्या आ जाएगा, वाई जेड आ जाएगा। ओके, 2 × 4 = 8, 8 × 6 = 48, साथ में क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा, एक मिनट बेटा। ये वाला शायद मेरे ख्याल से रॉन्ग है, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 होगा ना बेटा, 32 कैसे आ गया, 2 × 4 = मैंने ऐसे ऐड कर दिए थे क्या? ठीक है, फिलहाल जो भी मैंने कहा था वो गलत था, अब जाहिर सी बात है टेबल तो सीधा सीधा है, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखिए क्या है, 4x − 3y + z^2, आसान क्वेश्चन देखो कर लेंगे। इसको लिखेंगे आप 4x + −3y और प्लस में जेड का स्क्वायर, तो हो गया 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में −3y का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 × 4x × −3y फिर प्लस में 2 × −3y × z। ठीक है, और फिर प्लस में 2 × z × 4x। ओके, इसके बाद देखिएगा 4 का स्क्वायर करेगा आएगा 16, साथ में x². अब देखो ब्रैकेट के अंदर भले माइनस है लेकिन बाहर पावर क्या है, 2 है यानी इवन है तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, साथ में y² आएगा, z का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 का प्लस, 3 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, साथ में xy। ओके, 3 का माइनस, 2 का प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 = 6, साथ में yz।
ओके। अब देखो 2 4 8 हो जाएगा और साथ में जेड एक्स हो जाएगा, क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। थर्ड पार्ट देखिए, 7 - 2x - 3y का होल स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है ये भी, देखो कैसे करेंगे। 7 लिखा, प्लस लिखा, इसके बाद -2x लिख दिया, फिर प्लस लिखा, फिर -3y लिख दिया, ठीक है? इसको ब्रैकेट करके स्क्वायर लगा दो। अच्छा, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस मिल करके फिर से माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा। यानी इस चीज़ को ब्रेक करके हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है? अब इसके बाद आइडेंटिटी लगा दो। पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, उसके बाद -2x का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, फिर -3y का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2 इंटू पहली पोजीशन पे जो है, इंटू में दूसरी पोजीशन पे जो है, प्लस में 2 इंटू दूसरी पोजीशन पे जो है, इंटू में थर्ड पोजीशन पे जो है, प्लस में 2 इंटू थर्ड पोजीशन पे जो है, इंटू में फर्स्ट पोजीशन पे जो है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 2 का स्क्वायर, अच्छा माइनस साइन है बाहर स्क्वायर, तो माइनस साइन तो हट गया। 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, साथ में x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर वही चीज़, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, बाहर पावर क्या है 2 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, साथ में y स्क्वायर। ओके, देखिए ये वाले 2 का माइनस, ये वाले 2 का प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 7 14 14 2 28, साथ में x। ओके, 2 का माइनस, 3 का माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 4 3 12 12 हो गया, साथ में क्या हुआ, एक्स वाई हो गया। ओके, 3 का माइनस, 2 का प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6 6 7 42, साथ में क्या हुआ बेटा, वाई हो गया, क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके चलिए, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट, नहीं दिखाई दे रहा तो अब दिखाई देगा, ठीक है ना बेटा? चलिए, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, पहली पोजीशन पे a अपॉन 2 है, दूसरी पोजीशन पे b अपॉन 3 है, थर्ड पोजीशन पे c अपॉन 4 है, कर लेंगे। a अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b अपॉन 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में c अपॉन 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? फिर प्लस में 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू में b अपॉन 3, फिर प्लस में 2 इंटू में b अपॉन 3 इंटू में c अपॉन 4, ठीक है? फिर प्लस में 2 इंटू में c अपॉन 4 इंटू में a अपॉन 2। ओके, अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, b का स्क्वायर करेंगे आएगा b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, c का स्क्वायर करेंगे आएगा c स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे आएगा 16। ओके, ये हो जाएगा ए बी अपॉन में 3। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी अपॉन में, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी मिलेगा, 1 का तो कोई वही नहीं है, ठीक है, 1 को मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, सी को ए से करेंगे तो हो जाएगा सी ए, मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है, और यहाँ पर सी 4 बचा है, क्लियर? अच्छे से, ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये भी सेम चीज़ है, इसको आप थोड़ा अच्छे से कायदे से लिख लीजिए, आप इसको भी कर सकते हैं आराम से, अच्छे से, क्लियर है बेटा? चलिए लिखते हैं, 2x अपॉन में 3, प्लस में 3 अपॉन में 2y, फिर प्लस में माइनस में 2, ठीक है? अब लिख सकते हो इसको आप, क्योंकि बीच में प्लस होना चाहिए, माइनस है तो उसको भाई आप ऐसे ब्रैकेट में करके लिखोगे पहले, ठीक है? चलो कर लेते हैं। इसके बाद हो जाएगा 2x अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, 3 अपॉन में 2y का होल स्क्वायर, ओके, प्लस में -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 इंटू में 2x अपॉन में 3 इंटू में 3 अपॉन में 2y, फिर प्लस में 2 इंटू में 3 अपॉन में 2y इंटू में -2, फिर प्लस में 2 इंटू में -2 इंटू में 2x अपॉन में 3, क्लियर है? अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, साथ में हो जाएगा x का स्क्वायर करेंगे तो आएगा x स्क्वायर,
3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, ओके। 3 का स्क्वायर किया आया 9, 2 का स्क्वायर किया आया 4, y का स्क्वायर किया तो हो गया y स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन है ब्रैकेट के अंदर, बाहर पावर इवन है तो माइनस साइन तो ख़त्म हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, ठीक है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा, 2x बचेगा, नीचे y बचेगा, तो हो गया 2x अपॉन में y, क्लियर है। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो गया, 2 3 जा 6 अपॉन में y, क्लियर है। यहाँ पर देखो 2 का माइनस, ये वाले 2 का प्लस, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, साथ में x अपॉन में 3, क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके। चलिए इसके बाद अपना थर्ड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, देखेंगे कैसे होगा। 2x प्लस में 3 अपॉन x माइनस में 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा बेटा आसानी से, देखो हो गया 2x प्लस में 3 अपॉन x प्लस में माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो गया 2x का होल स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2x इंटू में 3 अपॉन में एक्स, फिर प्लस में 2 इंटू में 3 अपॉन में एक्स इंटू में माइनस 1, ठीक है, फिर प्लस में 2 इंटू में माइनस 1 इंटू में 2x, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, साथ में x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9 अपॉन में x स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, माइनस 1 का, अच्छा माइनस साइन है ब्रैकेट के अंदर, बाहर पावर इवन है तो माइनस साइन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 2 4, 4 3 12, ठीक है, प्लस में 12 हो जाएगा, प्लस में अब देखो 2 3 जा, अब देखो 1 का माइनस, ये वाले 2 का प्लस, ये प्लस है आपका, 1 का माइनस 2 का प्लस, प्लस माइनस मिल करके हो जाएगा आपका क्या, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 अपॉन में एक्स, ठीक है, 1 का माइनस 2 का प्लस, प्लस माइनस मिल करके हो गया माइनस, क्लियर है ना। अच्छा इसके बाद समझो 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, साथ में एक्स हो गया, 1 और 12 को आप क्या करोगे बेटा, प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस में 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस में 13 माइनस में 6 अपॉन x माइनस में 4x, क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ रहा है ना बेटा, चलिए अब देखिए ये भी एक तरह की आइडेंटिटी है, तो चाहो तो आप इसको आइडेंटिटी की हेल्प से कर लो, आइडेंटिटी बता दे रहा हूँ अभी, या तो चाहो डायरेक्ट इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, वो भी आसान है, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे करो, ठीक है। मैं तो आपसे कहूँगा सिर्फ आपको वो करना है आइडेंटिटी, ऑल्दो मैं आपको बता दे रहा हूँ देखो क्या होगा आइडेंटिटी आपकी। यहाँ पर जो आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है वो होता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है ना वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी और प्लस में ए बी, ये इसका एक्सपेंशन होता है। अगर इसी को, इस चीज़ को अगर इससे कंपेयर करें तो एक्स की जगह पे तो एक्स है, ए की जगह पर 7 है, बी की जगह पर 4 है, तो यहाँ यहाँ पे जहाँ पे भी ए और बी दिया है वहाँ पे 7 और 4 रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए रख के देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला कर रहा हूँ एक्स प्लस 7 एंड एक्स प्लस में 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स 7 प्लस 4 प्लस में ए बी का मतलब क्या है ए इंटू बी यानी 7 इंटू 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7 और 4 को प्लस करोगे 11 आएगा, x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 11x, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 28, आंसर आ गया, क्लियर है। अगर वही सेम चीज़ यहाँ पे करना चाहो, बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो x की पोजीशन पे है वो a दिया है, a की पोजीशन पे 13 दिया है, b की पोजीशन पे माइनस 8 दिया है, ठीक है, कर लेते हैं। चलिए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में a ब्रैकेट में प्लस 13 माइनस 8, जो भी इसका साइन दिया है ना उसको साइन के साथ लिख दो, कोई घबराने वाली बात नहीं, फिर प्लस लिखेंगे
13 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 8 से। अब कुछ कहेंगे सर आपने 13 को प्लस साइन के साथ नहीं लिखा है, तो बेटा 13 के आगे कोई सा साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्लस ही होता है, ठीक है। ये प्लस साइन हमने अपनी तरफ से लगाया है, ठीक है, दोनों को मर्ज मत कर देना। इसके बाद समझो हो जाएगा ए स्क्वायर 13 माइनस 8 करेंगे प्लस माइनस माइनस 13 में से 8 माइनस करेंगे बचेगा 5, साइन लगेगा बड़ी गिनती का। 13 और 8 में से बड़ी गिनती कौन है? 13 है, 13 के आगे प्लस साइन लगा है तो जो आपका आंसर आया है ना 5, उसके आगे भी प्लस साइन रहेगा। तो जब 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 का माइनस ये वाला प्लस, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, 13 एट से कितना हो जाएगा 104। क्लियर है? अच्छे से ओके, समझ में आया? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर भी देखो x की पोजीशन पर यहाँ पे y है, a की पोजीशन पर माइनस सिक्स है, b की पोजीशन पर माइनस फोर है, कर लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में y ब्रैकेट में माइनस सिक्स माइनस फोर, जो भी आपका साइन के साथ लिखा है ना उसी को लिख दो, वही सबसे आसान तरीका है। फिर प्लस में माइनस सिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस फोर से, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 4 को प्लस करोगे आंसर आएगा 10, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, 6 आपकी बड़ी गिनती है उसके आगे माइनस लगा है तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाई इंटू में माइनस 10, बीच में कोई सा साइन नहीं तो जाहिर सी बात है इंटू का ही साइन होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 24, ओके हो गया वाई स्क्वायर, वाई का प्लस 10 का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया 10y प्लस में 24। क्लियर है बेटा? अच्छे से ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।